जरा टीवी पर खबरें लगाई जाएं। कहां गया रिमोट? ये रहा। हेलो, मैं हूं अव्वल। सबसे पहले देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। ओए ठहर जा भाई, जरा चश्मा तो लगा लूं। मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। जब कहना हो मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, या उसका पेन नहीं मिल रहा, या मेरी बुक नहीं मिल रही, इस तरह की बातों को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मेरी बुक नहीं मिल रही, आई कांट फाइंड माई बुक। उसका पेन नहीं मिल रहा, ही कांट फाइंड हिज पेन। मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, आई कांट फाइंड माई ग्लासेस। इसे ग्लासेस कहो, स्पेक्टिकल्स कहो या स्पेक्ट्स कहो, एक ही मतलब है। जल्दी ढूंढो चश्मा भाई साहब, फिर अगला प्रोग्राम भी है। ये लो, ये मेरे प्रोड्यूसर का चश्मा ले लो यार। शुक्रिया भाई, चलो शुरू करो। तो तैयार हो जाइए आज की सबसे बड़ी खबर देखने के लिए। ये खबर सबसे पहले हमारे चैनल पर दिखाई जा रही है। हमारे रिपोर्टर इस खबर को दिखाने के लिए खास तौर पर सॉरी यार, ऐसे कौन छींकता भाई साहब? आपने मुझे डरा दिया, आपने मुझे डरा दिया। यू स्केर्ड मी। स्केर्ड का मतलब है डरा देना या डर जाना। मैं डर गया, आई गॉट स्केर्ड। मैंने डॉगी को डरा कर भगा दिया, आई स्केर्ड द डॉगी अवे। स्केर्ड से मिलता जुलता एक और वर्ड है फ्राइटेंड, पर स्केर्ड ज्यादा इजी है, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में यह ज्यादा यूज होने लगा है। अभी अभी हमारे जाबाज हीरो विंग कमांडर अभिनंदन की एक वीडियो आई है, जिसमें उन्होंने देश से वफादारी की एक मिसाल हमें दी है। जब दूसरे देश ने उनके मिशन के बारे में पूछा तो उन्होंने दिलेरी से कहा, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू। वाह, सबसे पहले मेरी तरफ से भी सैल्यूट। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, इसका मोटा मोटा मतलब तो आप समझते ही हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। सपोज टू का मतलब है कि आपसे किसी काम को लेकर एक अपेक्षा होना, एक उम्मीद होना, एक एक्सपेक्टेशन होना कि आपको यह काम करना है। और वहीं नॉट सपोज टू का मतलब है कि आपसे किसी काम को लेकर एक अपेक्षा होना, एक उम्मीद होना, एक एक्सपेक्टेशन होना कि आपको यह काम नहीं करना है। कई बार वो एक्सपेक्टेशन वर्बल होती है, जुबानी होती है, और कई बार वो एक्सपेक्टेशन रिटन होती है, लिखित होती है, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में हो सकती है। आपको बताना नहीं पड़ता कि आपसे वो एक्सपेक्टेशन कौन रखता है, आपकी बात से अपने आप पता चल जाता है। एग्जाम्पल, हमें गुरुद्वारे के बाहर शूज उतारने होते हैं, ये एक एक्सपेक्टेशन है, और ये एक्सपेक्टेशन हमसे कौन रखता है? समाज रखता है। We are supposed to remove shoes outside the Gurudwara. मुझे 7 बजे तक घर वापस आना होता है, ये एक expectation है, और ये expectation हमसे कौन रखता है? हमारे parents रखते हैं। I am supposed to be back home by 7 PM. और जब विंग कमांडर अभिनंदन ने कहा I am not supposed to tell you, तो उनका मतलब था कि उनके देश की फौज उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखती है कि वो नहीं बताएंगे और उन्हें उस एक्सपेक्टेशन को निभाना है। अभी अभी एक और खबर आई है। जी हां, अभी अभी विंग कमांडर अभिनंदन को 4 बजे, आज शाम 4 बजे वापस पहुंचा दिया जाएगा। इसकी और जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर वाघा बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। अरे यार, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, ऐसे चाय कौन पीता है? अवल जी, हमारे देश का हीरो इसी तरह से चाय पीता है, और आज से पूरा देश इसी तरह सुड़का कर चाय पिएगा। सुड़का कर कुछ भी पीना,
यानी आवाज करते हुए पीना। इसके लिए इंग्लिश वर्ड है स्लर्प। मुझे सुड़का कर चाय पीना पसंद है। आई लाइक टू स्लर्प टी। दूध पीते हुए सुड़कने की आवाज मत करो। डोंट स्लर्प व्हाइल हैविंग मिल्क। हेलो, क्या खबर है? 4 बजे लेकर आना था, 9 बज गए हैं, पर कोई खबर नहीं है। इतना टाइम तो मेरी बीवी को नहीं लगता तैयार होने में जितना वो लोग ले रहे हैं। अब हमारे पास टाइम पास करने के लिए एक ही तरीका है। क्या? इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो करता है चुर। पता करो देरी किस बात की हो रही है। जब किसी काम में देर हो रही हो और हमें पूछना हो कि देर क्यों लग रही है, किस बात से देर हो रही है, तो इंग्लिश में हम छोटा सा फ्रेज बोल सकते हैं, व्हाट्स द डिले। डिले का मतलब है देरी। इसी तरह अगर कोई काम फंसा हो, पूरा ना हो पा रहा हो, तो हम पूछते हैं रुकावट क्या आ रही है, व्हाट्स द होल्ड अप। इसी तरीके से हम ये भी बोलते हैं जल्दी क्या है, व्हाट्स द हरी। विंग कमांडर अभिनंदन इंडिया पहुंच गए हैं। भाई साहब कैसा लग रहा है आपको ये खबर सुनकर? बहुत अच्छी खबर है कि हमारा एक बेटा तो घर वापस आ गया है, पर साथ ही साथ कई ऐसे परिवार हैं जिनका बेटा कभी घर वापस नहीं आएगा। आप और मैं तो कल भूल जाएंगे, पर वो माँ बाप कैसे भूलेंगे, वो पत्नी कैसे भूलेगी, वो बच्चे कैसे भूलेंगे। काश एक ऐसी दुनिया होती जिसमें किसी का खून ना बहता, किसी का नुकसान ना होता, ये 4 दिन की जिंदगी हर कोई खुशी से जी पाता। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करूंगा। ओह भाई साहब, मेरे प्रोड्यूसर का चश्मा तो वापस दे दो। ओह थैंक यू भाई। वेलकम।